नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई के जी कोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन के 17 राउंड बनाने सिखाए थे और आज हम इसके आगे बनाना सिखाएंगे। इस डिजाइन को सीखने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसमें हम इसके आगे 3 बार हमें यानी 1, 2 और 3 बार हमें 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से हमने 3 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली। इस तरीके से अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे जो यहां से शुरू करेंगे जो 3 डबल क्रोशिया है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे 2 चेन छोड़ेंगे, आगे वाली जो 2 चेन का गैप है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे, और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसे भी छोड़ेंगे, और इसके आगे जो 3 चेन का सॉरी 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम यहां पर 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे 2 बार 1, 2 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाना है 3 चेन के गैप में। अब इसके आगे इसी पैटर्न को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम पूरा राउंड बना लेते हैं और बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों,
इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई जिसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले 3 स्लिप स्टिच करेंगे, तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे जो 3 चेन का गैप है उसमें हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे हम 5 बार 3 चेन के गैप में 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। इस तरीके से हमने 5 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके आगे 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे 2 चेन बनानी है और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है यानी 2 चेन और ये 2 चेन 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम 4 बार 1, 2, 3, 4 4 बार 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया 3 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब इसके आगे हम इसी पैटर्न को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो ये मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले थ्री स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो टू डबल क्रोशिया है इनमें हम टू स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे जो थ्री चेन का गैप है उसमें हम वन स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम फोर चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, इसे हम वन ट्रिपल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम टू ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे। इस तरीके से टू ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और अब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम फाइव चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, पलटेंगे वन टू थ्री, थर्ड चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम टू चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर थ्री ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और इन्हें हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम फोर बार, वन टू थ्री फोर, फोर बार थ्री चेन के गैप में थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने फोर बार थ्री चेन के गैप में थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम थ्री चेन बनाएंगे और ये जो इसके आगे जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इन्हें भी हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे और इसके आगे टू चेन छोड़ेंगे और इसके आगे जो थ्री डबल क्रोशिया है इनमें इन्हें भी हम इस तरीके से बनाएंगे थ्री डबल क्रोशिया जिनका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और इन्हें भी हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे थ्री चेन बनाएंगे और इसके आगे हम वन टू थ्री फोर, फोर बार थ्री चेन के गैप में थ्री डबल क्रोशिया, थ्री चेन थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे।
और इसके आगे इसी पैटर्न को दोहराते हुए हम पूरा राउंड बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैं पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में थ्री ट्रिपल क्रोशिया जो बनाई थी उनको जोड़ के जो ऊपर चेन बनी थी उसमें हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम वन चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये डिजाइन भी बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको ये डिजाइन कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।